हिंदी में हमने जो जो भी पढ़ा है, इकाई, अभ्यास, स्वाध्याय, वो सब एक बार तो पढ़ लिया, पर वह हम भूल ना जाए इसलिए उसको वापिस एक बार देखना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम पुनरावर्तन देखेंगे। प्रश्न एक, हाथी के बारे में 4-5 वाक्य लिखिए। वैसे तो आपको खुद से ही ये वाक्य लिखना है, पर हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। हाथी सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर है। वह जंगल में रहता है। हाथी का रंग काला होता है। इसके पाँव खंभे जैसे मोटे और मजबूत होते हैं। इसके कान सूप जैसे बड़े होते हैं, सूप यानी सुपड़ा। इसकी आँख बहुत छोटी होती है। इसके एक लंबी सूंड होती है। हाथी के दो लंबे दांत होते हैं। हाथी सवारी और सामान ढोने के काम आता है। हाथी समझदार जानवर है। तो इस प्रकार आप वाक्य लिख सकते हैं। प्रश्न दो, अ समानार्थी शब्दों के जोड़े बनाइए। अ विभाग में है पानी, आसमान, धरती, सिपाही। ब विभाग में है सैनिक, धरा, आकाश, जल। ये समानार्थी शब्द है, यानी कि उसको दूसरा क्या बोलते हैं? तो चलिए हम जवाब देखते हैं। तो पानी का समानार्थी है जल, आसमान का समानार्थी है आकाश, धरती का समानार्थी है धरा और सिपाही का समानार्थी है सैनिक। इस प्रकार आपको जोड़े मिलाने हैं। ब विरोधी शब्द ढूंढकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी कि अब उसका विरोधी होता है वह शब्द लिखना है और लिखने के बाद उसका वाक्य में भी प्रयोग करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है धरती, जिसका विरोधार्थी शब्द होगा आसमान। वाक्य देखते हैं, धरती से पहले देखते हैं, पतंग टूटकर धरती को छूती है। अब आसमान का विरोधी शब्द देखते हैं, पतंग उड़कर आसमान को छूती है। आप अपने हिसाब से भी कोई दूसरा वाक्य लिख सकते हैं। जाना का विरोधार्थी है आना। वाक्य है, सुबह लोग मंदिर जाना चाहते हैं। दूसरा वाक्य है, छोटा बच्चा भी साथ में आना चाहता है। इस प्रकार आना और जाना का वाक्य बन सकता है। आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। तीसरा, नीचा, उसका विरोधार्थी है ऊंचा। नीचा का वाक्य, बुरा काम करने वाले को नीचा देखना पड़ता है। ऊंचा का वाक्य, ऊंचा काम करने वाला ऊंचा देख सकते हैं। चौथा, छोड़ना, जिसका विरोधार्थी है पकड़ना। वाक्य, हमें बुरी आदत छोड़नी चाहिए, अच्छी आदत पकड़नी चाहिए। इस प्रकार छोड़ना और पकड़ना का हम वाक्य लिख सकते हैं। प्रश्न तीन, नीचे दिए उदाहरण के अनुसार लिखिए, जिसमें पहले हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, यह लड़का है। लड़का के नीचे हमें लाइन दी गई है, इसलिए हमें लड़का को चेंज करना है, बदलना है, बाकी सब ऐसे ही रखना है। तो दूसरा वाक्य बन जाएगा, यह लड़की है। तो इस प्रकार अगर हमें स्त्रीलिंग दिया है तो उसे पुल्लिंग में लिखेंगे, और अगर पुल्लिंग दिया है तो हम उसे स्त्रीलिंग में लिखेंगे। तो चलिए अब हम वाक्य देखते हैं। पहला, वह राजा है। राजा का क्या हो जाएगा? रानी। तो वाक्य हो जाएगा, वह रानी है। दूसरा, यह शिक्षिका है। शिक्षिका का हो जाएगा शिक्षक। इस प्रकार वाक्य होगा, यह
शिक्षक है। तीसरा वह लेखक है। लेखक का हो जाएगा लेखिका। वाक्य हो जाएगा वह लेखिका है। प्रश्न चार, उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। उदाहरण है यह इडली है। इसका वाक्य प्रयोग है ये इडलियां है। इसमें पहले एक वचन दिया गया है जिसका हमें बहुवचन करके वाक्य लिखना है। बहुवचन यानी कि एक से ज्यादा। तो चलिए हम वाक्य देखते हैं। पहला, वह मछली है। मछली का बहुवचन होगा मछलियां। वाक्य, वे मछलियां है। याद है ना, वह का बहुवचन क्या होगा, वे। दूसरा, यह लड़की है। लड़की का बहुवचन होगा लड़कियां। और बहुवचन है तो यह की जगह पर आएगा ये। वाक्य होगा ये लड़कियां है। वैसे ही यह बिल्ली है। बिल्ली का बिल्लियां। और यह का ये। वाक्य हो जाएगा ये बिल्लियां है। चौथा, वह घोड़ा है। घोड़े का बहुवचन होगा घोड़े। और वह की जगह पर वे। ये होगा वे घोड़े है। प्रश्न पांच, सही विकल्प पसंद करके वाक्य लिखिए जिसमें आपको आलूचर्या दी गई है और सामने दो जवाब भी दिए गए हैं। उसमें से आप सही जवाब चुनकर उसको खाली जगह में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, खाली जगह तितलियां है। तो आपको दो जवाब दिए गए हैं, यह और ये। तो क्या आएगा, बहुवचन है तो ये आएगा। इसलिए जवाब हो जाएगा ये तितलियां है। दूसरा, खाली जगह तुम्हारा फूल है। यहाँ पर सिर्फ एक फूल की बात है। तो वह और वे में से क्या आएगा, वह। इस प्रकार वह तुम्हारा फूल है ये वाक्य होगा। तीसरा, खाली जगह किसान हूँ। किसान खुद की बात कर रहा है। तो मैं यानी कि पहला वाला मैं है वह आएगा। तो हो जाएगा मैं किसान हूँ। चौथा, यह पाठशाला है। खाली जगह कई छात्र पढ़ते हैं। ऑप्शन है इनमें और इसमें। क्या आएगा, इसमें। इसमें कई छात्र पढ़ते हैं। पांचवा, किसान खाली जगह करता है। प्रश्नार्थ वाक्य है। उसमें है कौन और क्या। तो पहले कौन लगाते हैं, किसान कौन करता है। दूसरा, किसान क्या करता है। समझ में आ गया ना, इसमें क्या आएगा, क्या। किसान क्या करता है। छठा, खाली जगह लड़के ने मुझे लड्डू दिया। वह उस आएगा, उस लड़के ने मुझे लड्डू दिया। चलिए एक बार जवाब के साथ वाक्य देख लेते हैं। एक, ये तितलियां है। दूसरा, वह तुम्हारा फूल है। तीसरा, मैं किसान हूँ। चौथा, यह पाठशाला है। इसमें कई छात्र पढ़ते हैं। पांचवा, किसान क्या करता है। छठा, उस लड़के ने मुझे लड्डू दिया। तो बच्चों, आज हमने वाक्य बनाना, सही जोड़े मिलाना, समानार्थी शब्द, विरोधार्थी शब्द, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एकवचन, बहुवचन जैसे प्रश्न देखे जो आपने पहले भी एक बार पढ़ा।
आ